नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। डिप्लोमा इंजीनियर्स अधिवेशन में शामिल हुए सीएम धामी, महासंघ की मांगों पर दिया आश्वासन। सहकारी बैंक घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, धरना देकर धन सिंह रावत का मांगा इस्तीफा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना मामले में सुनवाई, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जांच में आपत्ति नहीं। करण माहरा बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। नई टीम में जगह नहीं मिलने से प्रीतम सिंह हुए नाराज, गुटबाजी मामले में उठाई जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय रोड स्थित निरंजन फार्म में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के 11वें अधिवेशन में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के एकादश अधिवेशन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस अधिवेशन में मंथन से जो अमृत निकलेगा वह कार्य के प्रति सभी लोगों को प्रेरणा देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न बिंदुओं की जो मांग रखी है उन मांगों का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला सहकारी बैंक भर्ती में हुए घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन में गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरते हुए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष करण महारा ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करण महारा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जबकि खटीमा सीट से विधायक भुवन चंद्र कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। 49 वर्षीय करण महारा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, जबकि यशपाल आर्य उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का सीएम धामी से मुलाकात करना राजनीतिक गलियारों में कई सवालों को हवा दे रहा है, लिहाजा कई बातें भी सामने आ रही हैं। उधर प्रीतम सिंह की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि प्रीतम सिंह और सीएम धामी के बीच सामान्य मुलाकात हुई, वहीं गुटबाजी पर भी उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस की नई टीम घोषित होने के बाद पार्टी में असंतोष दिखने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भी इससे नाराज हैं। प्रीतम सिंह ने अब चुनावों में हुई हार और गुटबाजी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन पर गुटबाजी के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। कांग्रेस संगठन में नए पद बांटने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आया है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से नई जिम्मेदारी नहीं देने से प्रीतम खेमा काफी आहत है। हाईकमान द्वारा अपने नेता की अनदेखी के बाद प्रीतम खेमा नाराज बताया जा रहा है और इस्तीफा देने के दौर शुरू हो गए हैं। गिरीश चंद्र पुनेठा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पुनेठा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए लेकर कांग्रेस में पद बांटे गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाए जाने के कारण पेड़ों की कटाई की वजह से पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने को तैयार है। इस समिति के गठन को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया है। हल्द्वानी नगर निगम की तरफ से साफ किया गया है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। यदि किसी ने भी तय समय पर अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर कानून में रियायत देने के तैयारी कर रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को कमेटी में रखा गया है। ये लोग हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय की तबादला व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने एक शातिर ठग और एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर ठग नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को शिकार बनाता था और रुपए ठग कर फरार हो जाता था। दूसरे मामले में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से 2 चोरी की बाइकों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।